अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक ज़बरदस्त रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने बाय किया था ये हैंडी चॉपर, ये देखिए। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट थी कि अगर आप ये बाय करती हैं तो उस पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, तो मैंने बाय कर लिया है इसको। और पहले मेरे पास ग्रीन वाला मैनुअल चॉपर था, अगर आपको याद हो मैंने बहुत सी वीडियो में यूज़ किया है। ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी प्लास्टिक, इसकी क्वालिटी सब बहुत ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ ये ग्रिप रबड़ लगा हुआ है। आराम से आप इसको रखें और इसके अंदर प्याज डालें, ये रखें इस तरीके से, ये आपको दिखा दूं, ये देखें। और इसके ऊपर ये रख के ज़बरदस्त, ये आपकी प्याज हो, चिकन हो, हरा मसाला हो, कोई भी ज़बरदस्त सा चॉप हो जाता है। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में इसको यूज़ करने वाली हूँ। ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने trendaddiction.pk से बाय किया था और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्राइस इसकी 1,050 रुपये थी, बहुत ही रिजनेबल है। ज़रूर खरीद लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हो तो। अच्छा, ये किस लिए? अब मेरे पास ये भी मैसेज आएगा, ये कॉमेंट आएगा कि किस लिए। तो भाई आप इसको ऐसे रखें, आप इसके अंदर दही डालें और उसके अंदर जो आप ग्रीन चटनी बनाते हैं वो डालें, और ये डाल के इसको इस तरह कर दें। ज़बरदस्त ही आपकी दही भी इसके अंदर बीट हो जाएगी, इसके अंदर एग्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे बीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि कितनी ज़बरदस्त पैकिंग में मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुई थी। ये देखें, इस तरीके की बबल रैप लगी हुई थी, इस पर इसकी प्राइस भी मेंशन है, और ये एक्स्ट्रा केयर के साथ उन्होंने मुझे भेजा था। इसका एक एक पार्ट जो था इस तरीके से इसमें बबल रैप में था। ठीक है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई पीआर पैकेज नहीं है, ये मैंने खुद अपने ज़ाती पैसों से ख़रीदा है। इसलिए आपको इस पर रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं आगे वीडियोस में इसको बहुत यूज़ करने वाली हूँ। जो पहले मेरे पास ड्यूरी वाला था मैनुअल चॉपर, उसके साथ मसला क्या हुआ था कि उसकी जो ये वाली प्लास्टिक थी उस पर क्रैक आ गया था। ज़ाहिर है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आराम से आपके एक साल तो निकल ही जाएगा अगर आप इसको खुद अपने हाथों से यूज़ करते हैं, कोई और इसको यूज़ नहीं करता। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मशीन किसी एक बंदे के हाथ में रहती ना तो कभी भी ख़राब नहीं होती। तो चलें, इसके अंदर मैं जो है एक चटनी बनाने जा रही हूँ। क्विक सी उसकी वीडियो देख लें, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कि अगर आपने यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा। सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोडक्ट की कि जो इसका टावर है ना इतना बड़ा सा, ये अगर आपके कवर्ड में ना आता हो तो आपको इस तरीके से रखें और इसको लॉक कर दें तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, आपको एक बात बता दूँ कि ये इसके जो ये ब्लेड है बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसको जब भी वॉश करें एहतियात के साथ वॉश करें क्योंकि ये बे इंतहा शार्प है, इससे हाथ भी कट सकता है। इजी टू यूज़ है, आप अपनी छोटी छोटी बच्चियां जो आपकी नई नई किचन में आती हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। चलें, अब बात है रिव्यू की कि कैसी बनती है इसके अंदर चटनी। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और जो है ये लहसुन लिया है, इसको मैंने ना आयरन के तवे पे रखा है और ढक्कन लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल उड़ उड़ कर हमारे ऊपर ना आ जाए जब ये रोस्ट हो जाए। तो इसी तरीके से जो है आप अच्छी तरीके से दोनों साइड से रोस्ट कर लेना। फिर आप दो टमाटर लें, उसको भी तवे पे इस तरीके से रोस्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन का तवा ही यूज़ करें, आप नॉन स्टिक पैन में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आप इसकी जो है ना पील ऑफ़ कर दीजिएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं फ़ौरन मशीन में इसको नहीं डालूंगी। और ये जो मैंने रोस्ट कर लिया था लहसुन और हरी मिर्चें वो भी रेडी हैं थोड़े हरदनिया के साथ। अब एक प्याज लिया है, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मोटा रखा है, बारीक नहीं करना है। देखा, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती प्याज भी आराम से चॉप हो गई है। तमाम इन्ग्रीडियंट एक साथ डालें और बस टैप टैप टैप, ज़बरदस्ती आपकी चटनी जो क्रश क्रंची चटनी है ना रेडी हो जाएगी। बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की बनती है, बहुत क्विक बन जाती है। इसको अच्छे से लिड को कवर करिएगा और टैप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती हमारी जो है ये चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से इसमें मसाले डालूंगी ताकि ये और चटपटी हो जाए। आपको इसको इतना ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, बारीक नहीं करना। चारों तरफ से मैंने स्पैचुला से रिमूव कर दिया था इसके। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने आधा लेमन, इसका जूस निकाल के। आप देख लें आपको कितनी बनानी है। आप मैंने ये सिर्फ एक टाइम के लिए बनाई थी, आप इसको बना के सिर्फ एक दिन के लिए फ्रिज में रखिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। अगर आपको लाल मिर्ची पसंद है तो डाल दें, लेकिन हरी मिर्च में बन चुकी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने प्याज आपके सामने चॉप की थी ना वो थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देंगे और कमाल की गज़ब की चटनी बनी है। आपको इसको दाल चावल के साथ खाना हो, समोसों के साथ खाना हो, कोई भी फ्राइड आइटम के साथ खा के देखें, बहुत बहुत मज़े की लगती है। इवन कि अगर आप इसमें थोड़े से छोले भी बॉयल करके मिला लेंगे ना, और या पास्ता, बहुत मज़े का लगेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी रिव्यू वीडियो, जानती हूँ थोड़ी सी बड़ी हुई क्योंकि आपको थोड़ी सी रेसिपी भी सिखाई थी। तो फिर अगली एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।